देश दुनिया में कोरोना वायरस एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है। पिछले दो सालों से कोरोना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा के रखा है। लाखों लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में जैसे ही किसी नए वायरस का नाम सामने आता है तो लोगों को एक बार फिर महामारी का डर सताने लगता है। हाल ही में एक नए वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी है। ताजा मामला मार्बर्ग वायरस का सामने आया। मार्बर्ग वायरस ने बढ़ाई चिंता। दुनिया भर के ज्यादातर देश पिछले दो सालों में कोरोना का कहर झेल चुके हैं। कोरोना के कारण कई देशों में लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंध के बीच जिंदगी कट रही थी। ऐसे में घाना में मार्बर्ग वायरस के दो मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। WHO ने जताई चिंता। मार्बर्ग वायरस बहुत खतरनाक माना जाता है, इसे लेकर WHO ने चेतावनी जारी की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे लेकर अलर्ट हो गया है। WHO अफ्रीका के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर नेथेशिडिशो मोइती ने कहा कि हेल्थ अथॉरिटी इसे लेकर अलर्ट हो गई है ताकि अगर वायरस तेजी से फैलता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगर मार्बर्ग को लेकर तुरंत सावधानियां नहीं बरती गई तो इस वायरस के तेजी से फैलने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। WHO हेल्थ अथॉरिटी को मदद कर रहा है और हम हालात को नियंत्रण में करने के लिए अधिक से अधिक साधन मुहैया करा रहे हैं। बेहद खतरनाक है मार्बर्ग। बताया जा रहा है मार्बर्ग वायरस बेहद खतरनाक है। एक रिसर्च में पाया गया कि इबोला वायरस दुनिया में जानलेवा साबित हो चुका है। इबोला फिलोविरिडिया फैमिली से संबंध रखता है और मार्बर्ग भी इसी फैमिली से आता है। ऐसे में ये दोनों ही वायरस काफी खतरनाक है। ऐसा बताया गया है कि मार्बर्ग इबोला से भी ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है, इसलिए इस पर शुरुआत में काबू करना जरूरी है, नहीं तो ये घातक साबित हो सकता है।